है मैं नवीस। आज मैं आपके साथ गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि रोज़ हिप रेंज के हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं मेरे साथ और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है ये भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी स्किन केयर में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना। तो उसके लिए मैंने फोम बेस्ड ये फेस वॉश मंगाया है, देख सकते हैं आप गुड वाइब्स का। इसमें क्या है, सबसे अच्छा इसकी बात है कि ये फोम की तरह निकलता है, आप देख सकते हैं ऐसा फोम के टाइप का होता है। और जो फोम होते हैं, फोम बेस्ड फेस वॉश होते हैं, वो आपकी स्किन पे काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं और दूसरा जेंटल होते हैं, मतलब आपकी स्किन को किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं करते। सेकेंड, इसके बाद मैंने इसका टोनर मंगाया है। टोनर आपको मैंने बताया था कि टोनर कैसे यूज़ किया जाता है आफ्टर फेस वॉश। आप इसे सिंपल अपने फेस पे इस तरीके से स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने से एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, एकदम रोजी रोजी टाइप की। तो इससे क्या होता है, आपके जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज होते हैं और उनको हाइड्रेशन पहुँचता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर टोनिंग यदि हमें अपने स्किन को एक्सफोलिएट करना है अर्थात डेड सेल निकालनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है स्क्रब। और स्क्रब में मैंने रोज़ ही स्क्रब लिया है, आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही मिनिमम इसमें पार्टिकल्स डले हुए जिसको आप देख सकते हैं। काफ़ी यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। और इसको आपको सिंपली अपने फेस पर लेकर इसको रब करना है, इस तरीके से आप इसको रब करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जो डेड स्किन है उसको अच्छे से रिमूव कर देती है और आपकी जो स्किन है उसे स्मूथ बनाती है। अब जब आपने अपनी स्किन की अच्छे से स्क्रबिंग कर ली तो पैक तो लगाएंगे ही, और पैक इसका इतना खूबसूरत लगता है, आप देखिए एकदम रोजी कलर का है इसका पैक। मैंने इसे यूज़ किया इसलिए आपको दिख रहा होगा डब्बा काफ़ी खाली हो चुका है, बहुत अच्छी रोज टाइप की स्मेल आती है इसकी। और ये लगाने में इतना सुंदर लगता है, एकदम पिंक कलर का आपको लगेगा। इसकी मैं आपको डाल दूँगी, ये इस टाइप से आप इसको पूरे अपने स्किन पे लगा सकते हैं, चेहरे में पूरी तरीके से, केवल आँख के आसपास छोड़ दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा, करीबन आप 10 मिनट तक रखिए, 10 मिनट बाद ये ड्राई हो जाएगा। और ड्राई होने के बाद आप इसे अच्छे से पानी की सहायता से अच्छे से धो लीजिए, ठीक है। अब चूँकि हमने अपने फेस पे फेस पैक भी लगा लिया है तो फेस पैक लगाने के बाद हमारी स्किन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ड्राई लगने लगती है कभी कभी, पर इसको लगाने पर आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, काफ़ी सॉफ्ट लगेगी और बहुत अच्छी रोज़ की स्मेल आएगी आपकी स्किन से। इसके बाद मैंने इसका क्रीम भी मंगाया है जो आप देख सकते हैं, ये इसका क्रीम है और ये इस टाइप का होता है, लाइट पिंक बेबी पिंक कलर का है। इसे आप सिंपली आफ्टर पैक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये इस टाइप का लगेगा, आप अच्छे से इसको पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। आफ्टर क्रीम आपको क्या यूज़ करना है, सीरम, जी हाँ मेरा फेवरेट रोज़ हिप सीरम जो कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉटल ये है, इस टाइप से आती है ये, 30 ml, 10 ml और 50 ml की क्वांटिटी में आती है और इसमें प्रेस है, इसको आप करेंगे तो इस तरीके से ऑयल टाइप का निकलता है, ये ऑयल इस टाइप का है और ये बहुत लाइट वेटेड है, बहुत जल्दी ज़्यादा, पहले से आप इसे अब तो हल्का सा रब कर लीजिए, हल्का सा वॉर्म हो जाएगा और फिर इसके बाद अपने स्किन पे से लगा लीजिए। आप जब मॉर्निंग में उठेंगे इसको लगाने के बाद तो ये बहुत अच्छा लगेगा, आप डे में भी यूज़ करते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आप कोई मेकअप बेस नहीं यूज़ कर रहे तो एज अ प्राइमर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, दूसरा आपके फाउंडेशन के लिए एक बहुत अच्छा बेस तैयार करता है, इतना स्मूथ स्किन बनाता है। तो ये हुई आपकी रोज़ हीरो। तो कैसे लगा आपको आज का वीडियो, ये सारे ही प्रोडक्ट मैंने पर्पल से लिए हैं और गुड वाइब्स की जो रेंज है वो सबसे अच्छी बात है कि एकदम अच्छे प्रोडक्ट आपको देता है, प्योर प्रोडक्ट देता है और दूसरा काफ़ी कम रेंज में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, अफोर्डेबल रेंज में होते हैं, तो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चेहरे के लिए। आपको पता है रोज़ जो है वो बहुत दिनों से यूज़ किया जा रहा है आपके स्किन के लिए, तो रोज़ ही रेंज ज़रूर आप अप्लाई करें, यूज़ करें और देखें आपके आपका जो चेहरा है ना वो बिल्कुल रोज़ी रोज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्ट आज मैंने यूज़ किए उन सब की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको ये मेरा
रोजी, तो जितने भी प्रोडक्ट आज मैंने यूज़ किए वो सभी प्रोडक्ट मैंने पर्पल से लिए हैं। इन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग लाइक करिएगा इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है तो ढेर सारी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और इसी तरीके से मैं गुड वाइब्स के और जितनी रेंज है, ग्रीन टी रेंज है, कुकुम्बर रेंज है और एक्टिवेटेड चारकोल रेंज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारे लाइक करिए।